अस्सलाम वालेकुम। कई स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर मैट्रिक इम्तिहान हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए, चार किस्म की आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी होती है एफएससी। एफएससी दो तरह की है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। प्री मेडिकल आपको एक पर्टिकुलर शोबे में लेके जाती है, जो कि डॉक्टर बनने के लिए, नर्स बनने के लिए, या मेडिकल फील्ड में डेंटिस्ट बनने के लिए, वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए, या किसी भी किस्म की तिब से रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप प्री मेडिकल करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री होगी। फिर प्री इंजीनियरिंग होती है एफएससी में। प्री इंजीनियरिंग वो करते हैं जिन्होंने बाद में जाकर इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग की बड़ी किस्में हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इस तरह। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका नेचर में ज़्यादा दिल नहीं करता काम करने को, या जानवरों से, इंसानों से, ज़िंदा चीज़ों पर वर्किंग करने का कम शौक़ है और बेजान इंस्ट्रूमेंट्स पर काम करने का ज़्यादा दिल करता है, वो इंजीनियरिंग की फील्ड को चुनते हैं। फिर आता है आईसीएस। आईसीएस में कंप्यूटर और फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। आईसीएस वो स्टूडेंट्स रखते हैं जो बाद में कंप्यूटर की फील्ड में मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाना चाहते हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस करना चाहते हैं, वो आईसीएस करते हैं। ठीक हो गया। फिर आईकॉम की बारी आती है। आईकॉम कॉमर्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ये भी 2 साल डिग्री है, जिस तरह एफएससी प्री मेडिकल 2 साल डिग्री, एफएससी प्री इंजीनियरिंग 2 साल डिग्री, आईसीएस 2 साल डिग्री है, आईकॉम भी 2 साल डिग्री है। आईकॉम वो स्टूडेंट्स करते हैं जो बाद में फाइनेंस या कॉमर्स या बिजनेस इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना कारोबार चलाना चाहते हैं, वो आईकॉम रखते हैं ताकि वो कारोबारी समझ को गेन कर सकें। फिर आता है एफए। एफए एक डाइवर्स किस्म के सब्जेक्ट्स को रखता है और फ्लेक्सिबल किस्म की डिग्री है। एफए करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी एफए के बाद आप आगे डिग्रीज हासिल करें, आप डिपार्टमेंट्स में जॉब्स हासिल करें, या फिर आप एफए के बाद बीए करें और एमए करके आप सीएसएस कर लें या पीएमएस कर लें। यानी वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ना ही तो मेडिकल की फील्ड में जाना होता है, ना इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना होता है, ना ही तो उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर हाउस टाइप चीज़ें बनानी हैं, और वो सिंपली समझते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ाई हम नहीं कर सकते, हमने सिंपल सा बस डिग्री कंप्लीट करनी है, वो एफए कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा मशवरा क्या है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अगर तो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं मैट्रिक में और अगर आप वाकई समझते हैं कि आप बहुत मेहनत कर लेंगे और डॉक्टर बन सकते हैं, तो आप प्री मेडिकल कर लें। अच्छा, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, नंबर ठीक है आपके, आपको लगता है 1000 के करीब करीब नंबर आ जाएंगे, तो प्री इंजीनियरिंग कर लें। अगर आप वाकई सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आईसीएस करें। आईसीएस के साथ मैं आपको चंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं क्या है कि आपको लाइफ में किस तरह मूव ऑन करना है। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आईकॉम करें। जो सिंपल एफए की डिग्री है वो मैं रिकमेंड नहीं करता। रीज़न ये है कि हमारे इलाके में, लाहौर की हद तक अगर मैं बात करूँ, तो एफए थक्कर क्लास स्टूडेंट रखते हैं। अब एफए बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन उस डिग्री को हासिल करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो लेवल के नहीं हैं। जब आप उन स्टूडेंट्स के साथ उठेंगे बैठेंगे, पढ़ना तो उनके साथ ही है, तो वो जो तरबियत है आपकी उसमें बड़ा फ़र्क आएगा। तो मेरा मशवरा है कि एफए आप आखिरी सूरत में रखें, अगर बिल्कुल ही पढ़ने का दिल नहीं करता आपका, बसूरत दीगर आप आईकॉम रख लें। आईकॉम बड़ी वंडरफुल डिग्री है, आपका एक अच्छी डिग्री भी होगी आईकॉम की, उसके बाद आईकॉम में बीकॉम करें, एमबीए करें, और उसमें भी बड़ा स्कोप है। आप बिज़नेस माइंडसेट एक रख सकते हैं आईकॉम के साथ भी, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हैं। ना सिर्फ आप कॉमर्स को फिज़िकली डील कर सकते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली डील कर सकते हैं, जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डील विद ऑल दी सब्जेक्ट्स। सो मुझे तमाम स्टूडेंट्स आप बताइएगा क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, या आईकॉम, या फिर आप एफए करना चाहते हैं। प्लीज़ ज़रा अपनी राय दीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक सेशन भी होगा आप सबके पेरेंट्स के साथ, तो बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात आपको मिलेगी। थैंक यू। एक चीज़ याद रखिएगा, फौरी तौर पर पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि टाइम बड़ा कम है।